19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूँ, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी माँ से विरासत लेने के लिए। प्रियंका वाड्रा जी, आपने जनता पर ये गलत आरोप लगाया है कि जनता ने आपके पिता श्री राजीव जी की सुरक्षा नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की सीमाओं और देश की जनता की सुरक्षा करे, न कि जनता की जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करे। वाह, मंच से ऐसा भाषण देकर तो आप भीड़ को भ्रमित कर रही हैं। आपको तो इसके लिए देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अजय गहलोत, यस न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।